स्थानीय व्यापारियों ने उधार के पैसे वसूलने का एक नया तरीका अख्तियार किया है और वो सोशल मीडिया के सहारे अपने उधार के पैसे वसूल रहे हैं। दरअसल पिछले कई महीनों से लॉकडाउन की वजह से दुकानें ज्यादातर बंद रही और दुकानदारों की उम्मीद थी कि ऐसे वक्त में उधार के पैसों से काम चल जाएगा, लेकिन उधार लेने वाले फोन तक नहीं उठाते, इसलिए व्यापारियों ने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया है। दुकानदारों का आरोप है कि कुछ ग्राहक दबाव के बाद चेक दे देते हैं जो कि बाउंस हो जाता है। अब सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट के बाद दुकानदारों को उनके उधार के पैसे मिलेंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आजकल इस प्रकार के पोस्ट स्वीट में चर्चा का विषय बने हुए हैं। रोजी रोटी चलती मेरी, वो पेमेंट भी व्यापारी देने को मेरा तैयार नहीं है। मैं कहां जाऊं, उनको फोन करें मेरा फोन नहीं उठाते हैं, उनके दरवाजे पे जाओ तो मेरे को ठगा देते हैं कि कल भेज देंगे शाम को भेज देंगे। उसके पीछे कारण लॉकडाउन भी है, हो सकता है सामने वाले की आर्थिक स्थिति खराब हो रही हो, ना दे पा रहा हो सकता है, इन्हें खराब हो ना दे पा रहा ना दे रहा हो। व्यापारी बहुत परेशान है इससे, वे व्यापारी है, उधार देना उनका स्वभाव बन गया है, फिर अभी मदद करना है देना।